हेलो फ्रेंड्स, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपका भी है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरे भी आईडी में ये सब प्रॉब्लम था, बट अभी ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो चुका है। मैं यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। देख पा रहे, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रहा है। जब मेरे पास आ रहा था तभी मैंने ये जो है स्क्रीनशॉट लिया था। तो आपको क्या करना है, जब भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो है ले लेना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपका जो ये प्रॉब्लम दोबारा आपके आईडी में कैसे नहीं आएगा और ये प्रॉब्लम आता क्यों है। आप जब भी किसी को लगातार एक लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट इस प्रकार से जो है सेंड करना चालू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, जिस कारण ये होता है कि आपके आईडी में जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, तो अब जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है। उसके बाद आपको जो ये वाला यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कुछ इस प्रकार से, इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से ले लिया था, तो आपको यहाँ पे जो है एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो आपको रिपोर्ट करना है, जिससे कि आपका जो है ये जो है फेसबुक का ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है, और स्क्रीनशॉट जैसे आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको जो है अपना फेसबुक ओपन करना है। ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे साइड में ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये थ्री डॉट या फिर यहाँ पे आपका लोगो देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहा होगा रिपोर्ट ये प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देता है। यहाँ पे फ़ोन को हिलाने की बोल रहा है, तो आप फ़ोन को ज़ोर से हिलाएंगे तभी वो ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, और ना भी हिलाना चाहते हैं तो आपको नीचे में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बैक हो चुका है, यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में दिख रहा है कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पे जो है रिपोर्ट करने का यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो यहाँ पे आपको इस डोंट इंक्लूड पे इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो है प्रॉब्लम क्या चीज़ का है। तो मेरा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है फ्रेंड रिक्वेस्ट का, ठीक है। आपका भी फ्रेंड रिक्वेस्ट का है तो यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो कट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड फ्रॉम फ़ोन इस पर क्लिक करना है, और आप जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो स्क्रीनशॉट को यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले में डिस्क्राइब द इशू, और इसमें आपको लिखना है फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड प्रॉब्लम, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड प्रॉब्लम प्लीज सोल्व। इस प्रकार से शॉर्ट में लिख देंगे तो जो है यहाँ पे फेसबुक टीम के पास जाएगा तो जो है समझ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, सेव इस प्रकार से ही देख करके आपको भी लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे करना है ये जो है सेंड वाला बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेंड कर देना है। तो मेरा प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी सोल्व हो चुका है, आपको मैंने इस तरह से बता दिए एग्जांपल। तो यहाँ पे सेंड वाले पे क्लिक करना है और ये सेंड हो जाएगा फेसबुक टीम के पास। अब फेसबुक टीम जो है आपके आईडी का चेकअप करेगा इस प्रकार से, और चेक करने के बाद आपका जो है 12 से 24 घंटे के अंदर में आपका जो है प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। तो दोबारा से आपको ये गलती नहीं करना है आपके आईडी में कि आप किसी को एक लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करना है। एक लगातार में अगर लगातार सेंड करते रह जाएंगे तो आपके आईडी में फिर दोबारा से ये प्रॉब्लम आ सकता है, आईडी भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक बार में 10-20 लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है सेंड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लगातार में आप 50-50 लोग को एक बार में सेंड करेंगे तभी आपके आईडी में ये जो है इस तरह का प्रॉब्लम जो आया था ये प्रॉब्लम आने लगेगा। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किए तो फेसबुक में यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, आपको जो भी बात करना है यहाँ पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए।